Today's topic is object drawing for standard 7 and 8. तो object drawing जब भी start करते हैं, तो सबसे पहले हमें center line draw करनी है और कुछ objects हैं, objects जैसे कि glass है, मटका है, ठीक है, box है, ये सारे objects होते हैं। तो draw करने से पहले हमें center line draw करना है, फिर one side हमें draw करना है, measurement लेना है। वन साइड ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमें लाइंस करनी है हॉरिजॉन्टल, और ये लाइंस से हमें मेजरमेंट्स लेना है, जैसे यहाँ जितना मेजरमेंट है उतना यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे जितना जितना यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो आपका जो ड्राइंग हो एकदम परफेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट जो होता है वो इक्वल होता है, आप सेंटर में से उसको हाफ करोगे तो इक्वल ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सेंटर लाइन करनी है, उसके बाद वन साइड ड्रॉ करना है और मेजरमेंट के साथ फिर उसके ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, वो ऑब्जेक्ट्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने मेथड बताई है वही मेथड से आपको करना है। तो सेंटर लाइन पहले राइट साइड का ड्रॉ कीजिए, फिर मेजरमेंट लीजिए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी मेजरमेंट लेना है, वर्टिकल भी मेजरमेंट लेना है, ठीक है। मेजरमेंट के बिना ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग नहीं होता, तो मेजरमेंट से ही पूरा आपने ड्रॉइंग करना है। तो ये कुछ मैं ऑब्जेक्ट्स ड्रॉइंग कर रहा हूँ, वो आपको प्रैक्टिस करनी है, और पहले हमें लाइट ड्रॉइंग करना है, और फिर हमारा फाइनल होने के बाद एडीपी से जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है उसको हमें डार्क करना है, ठीक है। डिसाइड करते हैं कितनी हाइट है, तो ये मैंने ग्लास ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पर आप मेजरमेंट ले सकते हो, यहाँ पे मेजरमेंट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मटका ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन मटके में तीन टाइप्स के आते हैं, पीतल का आता है, स्टील का आता है और मिट्टी का आता है। तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो मटका है पीतल का, ठीक है। दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मिट्टी का मटका, सेंटर यहाँ से यहाँ दो इक्वल पार्ट करना है, यहाँ से हमें सर्कल करना है सर्कल, और पार्ट्स पहले हाइट डिसाइड करते हो, यहाँ पे जितना मेजरमेंट है उतना यहाँ पे, और फिर यहाँ से यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जो भी डिजाइन चाहते वो हम बाद में कर सकते हैं, ये हुआ मिट्टी, ठीक है।
ठीक है। अभी यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बाल्टी, तो बाल्टी भी स्टील की भी आती है और प्लास्टिक की भी आती है, तो हमें डिफरेंस क्या है वो देखना होता है। तो घर पे भी आपकी बाल्टी हो तो वो देख के आप कर सकते हो, लेकिन सब मेथड सेम होते हैं दोनों साइड इक्वल। यहाँ पर पहले प्लास्टिक की ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्लास की बॉटल हो गई। ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आते हैं, वो आपको ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे एक मैं क्यूब बनाने दिखा रहा हूँ, तो क्यूब बनाने से पहले हमें हॉरिजॉन्टल लाइन करनी है, फिर सेंटर लाइन करनी है, फिर यहाँ का जो मेजरमेंट होगा वो 30 के एंगल पर हमें करना है। जो भी हो हमें क्यूब बनाते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें कैसा क्यूब बनाना है। क्यूब के अगर ऊपर कुछ रखना है तो एंगल थोड़ा कम रखना है, और क्यूब के ऊपर कुछ नहीं रखना है तो एंगल जनरली 30 का एंगल होता है। तो यहाँ पे सेंटर लाइन, ये जितने मेजरमेंट है उतने ही मेजरमेंट है, फिर यहाँ पे एक सीधी लाइन करेंगे और यहाँ पे एक और लाइन, ठीक है। तो ये सारी लाइन इक्वल मेजरमेंट की होगी, जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जितनी भी वर्टिकल लाइन्स आएगी वो सेम मेजरमेंट की होगी। अगर हमें स्क्वायर क्यूब बनाना है तो, अगर रेक्टेंगल बनाना है तो ये 4 है, तो यहाँ पे आप 8 ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा और कम ले रहा हूँ, यहाँ पे 4, ठीक है।
यहाँ की आप हाइट देखोगे तो यहाँ की कम होगी, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। वैसे यहाँ पे हमें मेंटेन करना है और ये एंगल से हमें मेंटेन करना है। अभी ये 6 है,